भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जमीरुद्दीन। तो आपका वर्क स्पेशल वर्क क्या क्या करते मेरा हैं? स्पेशल वर्क पूरा बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद वॉशिंग करता हूँ, एसिड वॉश करता हूँ पूरा, फॉल सीलिंग से लेके पूरा नीचे की फ्लोरिंग पूरा कंप्लीट, विंडोज़ वगैरह पूरा नीटनेस तो एकदम। देखिएगा यहाँ पर जितना भी ये पेंट वर्क रहता है सब गिरे हुआ रहता हाँ, है ये देखो। जितना भी गिरे हुआ रहता है ना पूरा नीटनेस अपने हिसाब से करता हूँ। और एसिड में दो गलती होती है, एसिड यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे दीवार पे शेड होता है, और ग्रिल ये जो डोर है ना इसमें वैक्यूम मशीन चलाता हूँ मैं, धूल डस्ट निकल जाना पहले, ये है मेन काम। और इस दूसरा बात ये है, इसमें जो वॉशिंग होने के बाद ये जेंट्स खुल जाते हैं, उसके बाद ग्रोटिंग आप करा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। पहले जो ग्रोटिंग करते हैं वो निकल जाती है, अब जो वॉशिंग होने के बाद ग्रोटिंग होती है वो मजबूत हो जाती है। तो कई बार हम देखे हैं कि ये मोल्डिंग को भी हम पूरा पेंट से ये कर नहीं, देते हैं। मोल्डिंग को आप हाफ भी रख सकते हैं, फुल भी रख सकते हैं, आपके अगर ऊपर अगर डिपेंड हमको है। ये वाला नहीं चाहिए बोले तो भी ये निकाल सकते हैं हाँ, इसको। निकाल सकते हैं, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, ये पूरा फुल मोल्डिंग है। अच्छा, इसका जितना भी पूरा क्लीनिंग सर्विस है आप पूरा क्लीन एकदम चकाचक जी चमक के पूरा। बिल्कुल तो क्या चकाचक, क्या यूज़ करते हैं आप मटेरियल? सिर्फ एसिड, शैम्पू और थिनर, तो थिनर ज़्यादातर ऑयल पेंट निकालने के ऑयल लिए। पेंट निकालने के लिए यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ मेन डोर के लिए यूज़ होता है, ग्रेनाइट के ऊपर। और ज़्यादातर हम देखिए बाथरूम के फ्लोर बहुत खराब हो हाँ, जाते हैं, तो बाथरूम उसको के कैसे फ्लोर्स करते हैं? बहुत ख़राब होते हैं, ये बाथरूम के लिए कंपलसरी एसिड यूज़ होता है, एसिड भी है बताऊँ। ये मेरा फेवरेट एसिड यूज़ होता है ये। ये एसिड यूज़ करता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी। और टॉयलेट बाथरूम टाइल्स भी है। पर के जी क्या प्राइस पड़ता है ये हाँ, वाला? ये आप होलसेल लिए तो आपको 55 पड़ता है, अगर यूज़ लिए तो 60 रुपीज़ पड़ता है। ये पूरा आप खुद लाते हैं या फिर घर वाले नहीं, दिलाते घर वाले हैं? दिलाना चाहिए। तो आपका प्राइस क्या पड़ता है पूरा मैं पेंट ग्राउंड फ्लोर का 30-46 6,000 रुपये में कंप्लीट करके देता हूँ। का? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। उसमें पूरा गेट के ऊपर जो भी छीटा छीटा पड़ता लोहे का जी, गेट सब A to Z है, ए विंडो टू गेट जेड। और इसमें दूसरी बात, ये एसिड के लिए मैं स्टील पे यूज़ नहीं करता, स्टील पूरा ब्लैक पड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे पड़ा है। थोड़ा सा लाइट एक तरफ करता हूँ मैं, जैसे कि ये होता है ब्लैक ओके यहाँ पर। ओके SS पे। एस एस पे, ज़्यादा ग्रिल के तरफ यूज़ नहीं करता मैं। बात देने क्या करते, आजकल कम कीमत में होता बोल के बुला लेते, SS पूरा ख़राब कर लेते अपना। तो SS मतलब ये बाहर का जो SS है उसके जो ऊपर SS जरा भी यूज नहीं करना? ज़रा भी यूज़ नहीं करना, तो शैम्पू या शैम्पू या निरमा या उसका दूसरा कोई फार्मूला निकाल के करना, या नहीं तो हैंड ग्लोव्स पहन के अपने हिसाब से काम करना। हाँ जी, मैं तो ये लपम पट्टी से छीटा हाँ, छीटा लपम पट्टी से छीटा निकाल। छीटा। तो अब हम सैंड पेपर यूज कर सकते हैं नहीं? सैंड पेपर यूज कर सकते हैं क्लीनिंग को? क्या सैंड रेशा पेपर पड़ नहीं, जाता है उससे? नहीं रेशे पड़ जाते उससे, सिर्फ लपम पट्टी एसिड यूज़ करता हूँ और ज़्यादातर अब किचन में भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पर सिंक जी। हो या फिर ये जो आप लगाए हैं नल टूटी, हाँ तो इसके ऊपर भी एकदम आप हाथों से स्पिन करना जी, पड़ता पूरा हाथों से वर्क करता हूँ मैं, इसको भी पूरा हाथों से ही करता है। हूँ। जी, ये जितना भी मोल्डिंग्स वगैरह है इस पे लपम पट्टी नहीं फिरता मेरा। तो टाइल्स पे एसिड वर्क यूज़ कर सकते हैं। हाँ, टाइल्स पे एसिड वॉश कर सकते तो हैं आपका मोबाइल नंबर बताइए, सो कांटेक्ट कैसे करना आप। हाँ, आपको? मेरा मोबाइल नंबर 81500-32522। थैंक यू सो मच, जो जिनको रिक्वायरमेंट है आप बुला। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।